दबाव में शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापस लेते हुए भास्कर मिश्रा को पहचानने से ही इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में बीते दिनों कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा पर कुछ लोगों ने बैरन कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जो कि अब वह निराधार साबित हो गई है। शिकायतकर्ता कांदोपानी निवासी अर्जुन ने पूरे मामले को निराधार बताते हुए कहा कि 25 फरवरी को रेत माफिया दरूद खान के कहने पर बैरन थाने में भास्कर मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जो पूरी तरह से असत्य है। भास्कर मिश्रा कौन है मैं नहीं जानता हूं और न ही कभी मिला हूं, न ही कोई हमारा राशि बकाया है। कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठाकर रेत माफिया दरूद खान ने आवेदन टाइप कराने के बाद हस्ताक्षर करवा लिए और कहने लगा कि इसे अब थाने में जमा करने के बाद आओ, उसके बाद पैसा दिलाता हूँ। जब हमें पता चला कि आवेदन पत्र में भास्कर मिश्रा के खिलाफ बालू रेत चोरी और पैसा हड़पने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद हमने आवेदन देकर थाने में की गई शिकायत को फर्जी बताते हुए अपने शिकायत को वापस लेने का निवेदन किया है। हमारे साथ हुआ था, एक कोई जाल में फंसाने के लिए दरूद खान ने हम लोग को यहाँ मिश्रा भास्कर जी की नाम से खिलाफ दर्ज करवाया था। मैं उस खिलाफ से जब हमको हकीकत पता चला तो मैं उस केस से वापस लेना चाह रहा हूँ। आपने पहले कहा है वो कंप्लेंट किया हुआ था, उसमें आपने मीडिया के सामने भी बोला हुआ है कि हमारा पैसा लग रहा है। मीडिया के सामने इसलिए बोला था, हमें सच्चाई पता नहीं था। ये लोग हमको दरूद खान हमारे गांव को 2000 पार्टनर दोस्त गांव के लोग और हमारे साथ धोखा करके हमें बुला दिए और मैं आ गया। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है अर्जुन कुमार पनिका, ग्राम कादुपानी, सिंह जिला सिंगरौली। तो इसके केस से मैं वापस लेना चाह रहा हूँ, हमारा कोई इनसे लेना देना नहीं है, ना ही हमारा इनसे कभी मुलाकात हुई थी। आपको कोई बरगला कर या पैसे उसे का प्रलोभन देकर बुलाया था क्या यहाँ रिपोर्ट करवाने के लिए? नहीं, ये चीज़ नहीं, ये बुलाया था कि चलो वहाँ पैसा बट रहा है, हमारे खेत में गाड़ी घोड़ा चली है, रेत खाद उठाया हुआ है, उसका पैसे दिलाते हैं। कौन बुलाते हैं? ये दरूद ने बताया था। दरूद खान? दरूद खान। तो हम लोग भाई आ गए, गरीब आदमी है, चले भाई मिल रहा है ले। कितने लोग आपके साथ में थे? हमारे साथ में 7-8 लोग थे। तो बाकी के लोग भी, जैसे आपने अभी शिकायत वापस लिया, बाकी लोग भी फिर फर्जी हैं? बाकी लोग फर्जी हैं, हमारे हिसाब से तो फर्जी हैं। अब वो लोग समझें, आगे अपना हम लेना चाहते हैं साहब। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट।